हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू इंग्लिश एनसीईआरटी फॉर क्लास सिक्स्थ यूनिट फर्स्ट व्हाट डिड पैट्रिक्स डू। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। अब मैं आपको इस जो स्टोरी है इसे मैं आपको हिंदी में पूरी समझाती हूँ कि स्टोरी में क्या बताया गया है। ओके बच्चे, पैट्रिक नाम का बच्चा बहुत ही आलसी था। जो पैट्रिक नाम का जो बच्चा था वो बहुत ही आलसी था। उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर बात करें खेल की तो हॉकी है, बास्केटबॉल है, वीडियो गेम्स है, ये सब उसे खेलना बहुत ही पसंद था। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन खेल में ही लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई कोई बच्चे होते हैं ना जिसका मन नहीं करता है कि हम पढ़ाई में मन नहीं करता, लेकिन खेल कूद में वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ओके, एक दिन की बात है कि पैट्रिक का एक बिल्ली दिखाई, फिर पैट्रिक जो था ना उसे एक बिल्ली दिखाई दी थी। उसके पास एक गुड़िया थी, बिल्ली जो थी ना कैट थी, तो उसके पास एक गुड़िया थी जिससे वह खेल रही थी। जो बिल्ली थी उस गुड़िया से खेल रही थी। अब सुनो, मज़ेदार की बात यह थी कि वह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, वह एक बोना था। एल्फ, एल्फ का मतलब होता है बोना। ओके, टाइनीस्ट साइज का एक मैन होता है जिसे हिंदी में बोना कहा जाता है। ओके, वह गुड़िया पैट्रिक को मिल गई। उसने क्या किया, उस बिल्ली से उस बोने को ले लिया, उसने अपने हाथ में लिया और वह छोटा बोना कहता है, अब मुझे उस बिल्ली के हवाले मत करना। जो बिल्ली थी ना तो उसके हवाले मत करना। कौन कहता है, जो टाइनीस्ट साइज़ का जो मैन होता है जिसे हम एल्फ कहते हैं, हिंदी में बोना कहते हैं, वो कहता है कि अब मुझे इस बिल्ली के हाथ में मत देना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा पर एक वादा है, तुम्हें भी करना होगा। अब जो पैट्रिक होता है वो फिर उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे एक वादा करना पड़ेगा। अब ये वादा क्या है सुनो बच्चों, होगा कि मेरा पूरा होमवर्क तुम करोगे। कि जो पैट्रिक होता है फिर उससे एक प्रॉमिस लेता है कि मेरा जो कुछ भी होमवर्क होगा वो तुम्हें करना होगा। फिर वो जो बोना होता है वो सोचने लगता है कि मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ ये होमवर्क। ओके, क्योंकि वो उसका इतना माइंड चलता नहीं है ये सारी चीज़ में, तो वो कहता है पैट्रिक को कि तुम्हें मुझे थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर पैट्रिक कहता है ठीक है मैं करूँगा। फिर वह पैट्रिक से कहता है किताब लाने को, और कभी कहता है किताबें पढ़ने के लिए। कभी कभी उसको वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो पैट्रिक को लगातार उस चीज़ के लिए वो कहता रहता है कि मुझे ये ढूंढ के दो, मुझे ये नहीं आता, मैथ्स के मुझे टेबल्स नहीं आते, आप मुझे इस तरह से ढूंढ के दो, मैं फिर होमवर्क करूँ। फिर वो पैट्रिक जो होता है खुद ब खुद अपना होमवर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, और फिर बाद में लास्ट में जब उसके पेरेंट्स होते हैं और फिर जो टीचर होते हैं स्कूल की, वो सब उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि पैट्रिक जो होता है वो अपना होमवर्क अब रेगुलर लेकर आता है, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। ओके, इस तरह से वो एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय फिर कहलाता है। अब बात यह थी कि बोनी की मदद करते करते अपना सारा काम वह खुद करने लगता है। तो इस तरह से ये स्टोरी में था वे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी जो थी वो समझ में आ गई होगी, व्हाट डिड अ पैट्रिक्स होमवर्क। अब इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक के हैं वो खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।